ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के सेनापति मंगल अस्त होने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 24 सितंबर 2023 को प्रातः 6:21 पर मंगल अपनी प्रबल शत्रु राशि कन्या राशि में अस्त हो जाएंगे और 3 अक्टूबर 2023 तक मंगल अस्तगत स्थितियों में रहने वाले हैं। उसके पश्चात मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे और तुला राशि में भी ये सूर्य के नजदीक रहने की वजह से अस्त होंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों, 24 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक मंगल अस्त होकर आपके जीवन में कैसा प्रभाव दे रहे हैं, उसकी जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। मंगल के बारे में अगर आपको बताया जाए कौन है मंगल, नवग्रहों में सेनापति का दर्जा मंगल को प्राप्त है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, अचल संपत्ति का, जीवनी शक्ति का, विज्ञान का, तर्क वितर्क का, पुलिस फौज और प्रशासनिक क्षेत्रों का कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रतिनिधित्व और आधिपत्य होता है। मंगल किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि बली होते हैं, शुभ होते हैं, तो अपना बेहतर प्रभाव देते हैं। मंगल के बलि होने पर जातक के अंदर ईमानदारी, लीडरशिप क्षमता, मनोबल की प्रधानता होती है। मंगल बलवान हो तो भिन्न भिन्न वातावरण में जातक के अंदर डटे रहने की अभूतपूर्व क्षमता मंगल के द्वारा ही मिलती है। प्रतिस्पर्धा में, युद्ध में आत्मबल की कमी नहीं होती है। मंगल बलवान हो तो जीवन के हर क्षेत्रों में जातक उत्साह के साथ चलने में सफल होता है। खास तौर से खेल, सेना, शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में आसानी से सफलता मिलती है। वहीं मंगल अगर पीड़ित हो जाएं, कमजोर हो जाएं, नीच राशि में पहुंच जाएं, या सूर्य के द्वारा यदि अस्त हो जाएं, जैसे अभी अस्त हो रहे हैं, तो एलर्जी की समस्या, दांतों में प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम परेशान करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। आंखों में, गुदा में रक्त से जुड़ी हुई प्रॉब्लम परेशान करने लगती है। भाई बहनों के साथ भी संबंध खराब रहते हैं। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी ये राशिफल है। मिथुन राशि वाले जातकों, मंगल देव जो आपके राशि के लिए लाभ भाव और आपके राशि के रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं, 24 सितंबर से आपके राशि के फोर्थ हाउस यानी सुख भाव पर अस्त हो रहे हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, आपके राशि के चतुर्थ भाव पर सूर्य पहले से ही प्रभावी हैं, सूर्य मंगल की उपस्थिति बनी हुई है और आपके राशि का जो चतुर्थ भाव है कई अन्य ग्रहों से प्रभावित है, काफी शुभ है, काफी मजबूत है। तो मंगल के अस्त होने का बहुत ही बुरा प्रभाव या बहुत ही खराब असर आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में करियर में सफलता मिलेगी। व्यापार यदि आप कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से लाभ आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आप जीवन में जोखिम उठाते हैं, परिस्थितियों से नहीं घबराते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप अपने प्रयासों के द्वारा जीवन में धनार्जन करने में भी सफल रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत रहने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों, आपके जीवन में चूंकि जारवे भाव यानी लाभ भाव के स्वामी मंगल हैं, जब अस्त अवस्था में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक मामलों में धन का व्यय आपके जीवन में ज्यादा होगा, लेकिन धन का व्यय होने पर सुखों की अनुभूति आपके जीवन में कम होने वाली है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए सोच विचार कर आपको धन का व्यय करना चाहिए। निवेश में या कर्ज दे रहे हैं या शेयर बाजार, सट्टा, लाठी जैसे विषयों में यदि आप निवेश कर रहे हैं,
इन सभी जगह पर आपको काफी अलर्ट रहना चाहिए, काफी सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि मंगल की प्रबल शत्रु राशि है और चौथे भाव पर मंगल को बेहतर रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं हो रही थी, तो यहाँ पर बाहर निकलने में आपके जीवन में नए अनुभव आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। चतुर्थ भाव पर मंगल का मौजूदगी बनी हुई थी। मंगल आपके चतुर्थ भाव पर परिवार में लगातार माहौल बिगाड़ रहे थे, आज तो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी संभावना बन सकती है कि आप अपने परिवार में समन्वय बैठाने में कामयाब रहें। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए मंगल का जो प्रभाव क्षेत्र है, चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, तो यदि आपके ऊपर मंगल की महादशा चल रही है तो आपको शारीरिक रूप से काफी अलर्ट होकर चलना होगा। मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए शरीर का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से खान पान की आदत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा सिर दर्द, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं, तो सावधानी आपको रखना चाहिए। मिला जुला प्रभाव आपके जीवन में मंगल देने वाले हैं, कोई ज्यादा बुरा प्रभाव आपके जीवन में नहीं देने वाले हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? मिथुन राशि वाले जातक रोजाना सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।